एसएफ ग्राउंड में आयोजित जनसभा में पहुंची बसपा सुप्रीमो मायावती ने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। अपने उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मांगने आई मायावती ने कहा, दलितों और गरीबों पर जुल्म करने वाले होंगे अब सलाखों के पीछे। मध्य प्रदेश में इन दिनों सत्ता के खिलाफ माहौल चल रहा है। बिना बसपा की मर्जी के कोई सरकार नहीं बनेगी, कहते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस ने लंबे समय तक देश में राज किया है। इनकी सरकारों ने गरीबों का कुछ भी नहीं किया। धरना सेठों के भरोसे इन दोनों दलों की सरकार चल रही है। दोनों सरकारों की गलत नीति के चलते देश में महंगाई बढ़ी है। डीजल पेट्रोल के दाम आसमान पर हैं। बड़े व्यापारी से लेकर छोटे व्यापारी तक सभी परेशान हैं। भाजपा सरकार ने गरीब आदिवासी दलितों पर कहर ढाया है। शिवराज सरकार ने गरीबों के लिए कुछ भी नहीं किया, कहते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। अपनी नेता सर्वजन की नेता जिंदा देवी जिनको बहन जी का सम्मान करें, और साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक मिनट बहन जी एक मिनट जेठन की तरफ से बहन जी को चांदी का मुकुट भेंट करके बहन जी का स्वागत करें। अब मैं बिना देर किए हुए इंतजार की अब अपनी नेता सर्वोच्च समाज की नेता से निवेदन करूंगा कि इस उमड़े हुए जन सैलाब विशाल इस जन सैलाब को आप संबोधित करें। आदरणीय राज ग्राम जीवला मैं यहाँ विशेष कर दलितों आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये कहना चाहूंगी कि इन्हें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयासों से यहाँ के मध्य प्रदेश स्टेट सहित पूरे देश में खासकर सरकारी नौकरियों में जो भी आरक्षण की सुविधाएं मिली हैं, तो उसे यहाँ शुरू से ही इन वर्गों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता रखने वाली सभी विरोधी पार्टियां प्रभावहीन बनाने में वैसे धीरे धीरे खत्म करने की भी पूरी पूरी कोशिश में लगी हुई है। यही मुख्य वजह है कि देश में पहले लंबे अरसे तक यहाँ राज करने वाली कांग्रेस पार्टी ने और अब वर्तमान में बीजेपी की केंद्र एवं राज्य सरकारों ने भी इनका आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है, और इस मामले में लगभग यही खराब स्थिति हमें यह आपके स्टेट में भी देखने के लिए मिल रही है। इसके साथ ही पिछले कुछ वर्षों से खासकर कांग्रेस में बीजेपी की अंदरूनी मिलीभगत से अब यहाँ सरकारी नौकरियों में दलितों व आदिवासियों के पदोन्नति में आरक्षण को भी काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया गया है, जिसे प्रभावी बनाने के लिए अभी भी हमारी पार्टी को संसद के अंदर व बाहर भी काफी कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। अपने मध्य प्रदेश स्टेट में भी ज्यादातर सत्ता या गलत पार्टियों में से खासकर कांग्रेस व बीजेपी आदि के हाथों में ही आने को मानकर चलती है, और इन विरोधी पार्टियों को हमारी पार्टी इसलिए जिम्मेवार मानकर चलती है क्योंकि आजादी के बाद से लेकर अभी तक लगभग ये सभी विरोधी पार्टियां केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर यहां बड़े बड़े पूंजीपतियों व धरना सेठों की ही आर्थिक मदद से सत्ता में आती रही है, और सत्ता में आ जाने के बाद फिर ये पार्टियां अधिकतर मामलों में अपनी आर्थिक व अन्य सभी नीतियां यहां आम जनता की समस्याओं को दूर करने के हिसाब से तैयार नहीं करती हैं, बल्कि देश के उन बड़े बड़े पूंजीपतियों व धरना सेठों को ही फायदा पहुंचाने के हिसाब से
अपनी अधिकांश नीतियाँ तैयार करती हैं, जिनके धन व बल से चुनाव लड़कर ज्यादातर ये पार्टियाँ केंद्र व राज्यों में तथा यहाँ के खुद के प्रदेश में भी अभी तक सत्ता में आती रही हैं, जिसके कारण ही अब पूरे देश में वे आपके खुद के मध्य प्रदेश स्टेट में भी अभी तक भी हमें यहाँ सर्व समाज के लोग अधिकांश मामलों में अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान ही नजर आते हैं।